आपको 100 के मिल जाएगा और यहाँ से किक हटा दी गई है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे साथ है होंडा एक्टिवा की एच स्मार्ट। तो आप ग्राफिक से तो देखेंगे तो कुछ ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं लगेगा, लेकिन इसमें एक चेंजेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब आपको इसमें नॉर्मल की नहीं, अब आपको इसमें स्मार्ट की आ जाती है, जैसा कि कार में की आती है वैसा। और इसमें एक और अच्छा फीचर दिया है कि फाइंड माई स्कूटर, अगर आपका स्कूटर कहीं पार्किंग में खड़ा है आएंगे तो इसके ब्लिंकर ब्लिंक होने लगेंगे, आप जैसा कि देख रहे हैं, जैसा कि नॉर्मली कारों में ऐसा फीचर आता है। तो ये है, आपको रियर से मैं दिखा देता हूँ कि रियर में कुछ चेंजेस तो नहीं हो, हालांकि मुझे लग रहा था कि ये सारी चीज़ें एलईडी आ जाएंगी और अच्छा लगता, लेकिन इसमें एलईडी अभी कुछ नहीं आपको मिलेगा, सब चीज़ें आपको हैलोजन में ही मिलेंगी। यहाँ पे एक्टिवा लिखा गया है और नीचे ही एच स्मार्ट की ब्रांडिंग दे दी गई है, जहाँ की 5G 6G लिखा रहता था वहाँ पे, अब यहाँ पे हटा के इसमें आपको एच स्मार्ट की ब्रांडिंग दे दी गई है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंज है, अभी मैं बात करूँगा, सबसे पहले फ्रंट से आपको दिखा देता हूँ कि फ्रंट से क्या चीज़ है। फ्रंट से आप देखेंगे तो कुछ इसमें चेंजेस नहीं लगेंगे, सब चीज़ें सेम ही मिलती हैं। यहाँ पे आपको फुली एलईडी का सेटअप मिलता था, हालांकि पहले भी ये मिलता था, होंडा की ब्रांडिंग यहाँ पे मिलती है। और ये क्रोम के पार्ट थोड़े आ जाते हैं, और ये आपको मेटल में रहने वाला है और ये प्लास्टिक में रहना है। मडगार्ड की बात कर लूँ तो ये आपको मेटल में रहने वाला है। और यहाँ से टायर से बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको पहले स्टील रिम मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाएगा। सीएट के टायर मिलते हैं, और इसके सेक्शन की बात कर लूँ तो 1990x12 12 इंच के आपको इसमें अलॉय व्हील मिलते हैं, और 90mm चौड़ा आपको टायर मिलता है, रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और ये साइड से देखेंगे तो साइड से सारी चीज़ें सेम ही हैं, वैसा ही है, फुट स्टेप मिल जाता है आपको, और ये चीज़ें सारी मेटल में मिल जाती है। और यहाँ पे एक्टिवा और एच स्मार्ट की ब्रांडिंग मिल जाए। इंजन सेम है, इंजन में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक चेंज है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ वो। यहाँ पे अब एडजस्टेबल आपको सॉकअप मिल जाएगा, जो कि पहले एडजस्टेबल नहीं आता था, अब ये एडजस्टेबल आपको सॉकअप मिल जाएगा। और यहाँ से किक हटा दी गई है, तो नॉर्मली यूज भी नहीं कोई करता था किक, इसीलिए शायद कंपनी ने हटा दिया। तो किक आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लाइंड है, किक हटा है। 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, और रियर में भी आपको अलॉय व्हील मिल जाता है। अलॉय व्हील का साइज थोड़ा छोटा हो गया है, फ्रंट में आपको 12 इंच के अलॉय व्हील मिलते थे, लेकिन यहाँ पे 10 इंच के, यहाँ पे 10 इंच के ही मिलते हैं। टायर की बात कर लूँ तो 90 100x10, तो यहाँ पे टायर थोड़ा सा आपको चौड़ा मिल जाएगा, लेकिन अलॉय व्हील छोटा मिल जाएगा, जो कि पहले भी आता था। चेंजेस ये है कि आपको यहाँ पे एडजस्टेबल सॉकअप मिल जाता है, और कि किस में से हटा दी गई है। और चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे लॉक अनलॉक की बटन है, और यहाँ पे फाइंड माई स्कूटर का बटन है। तो जैसे ही आप इसे दबाते हैं, वैसे ही आपके ब्लिंकर ब्लिंक होने लगते हैं, आप देख सकते हैं कि ब्लिंकर ब्लिंक होने लगते हैं, तो इससे आपको पता लग जाता है कि आपका स्कूटर कहाँ पर है पार्किंग में। तो ये एक फीचर हो गया। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे जैसे कि चाबी लगाने का कोई ऑप्शन अब यहाँ पे नहीं है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक अनलॉक की बटन है, यहाँ पे आप अनलॉक करके, जैसे ही अनलॉक करेंगे फिर इसे दबाएंगे तो ये आपका इग्निशन ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपको किल स्विच की बटन और पावर स्टार्ट की बटन होती है, जैसे ही ऑन हो जाएगा फिर आप इसे दबाते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ब्रेक दबा कर स्टार्ट हो जाती है, तो ये होती है। और फिर यहीं से आप अपना किल स्विच है बंद कर सकते हैं, और लॉक करने के लिए आप सिर्फ मिली यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे की लॉक का आ जाएगा और स्कूटर लॉक हो गया। अब इसे आप चालू करेंगे तो ये नहीं चालू होगी। तो ये फीचर है। सीट अगर आपको ओपन करना है तो सिर्फ वही अनलॉक करना है आपको, और यहाँ से नीचे है सीट, तो यहाँ से नीचे दबाएंगे तो सीट ओपन हो जाएगा। बूट स्पेस की बात कर लेता हूँ तो सेम वही बूट स्पेस आपको मिलता है, यहाँ पर आपको टूल किट वगैरह मिल जाते हैं, फर्स्ट एड किट मिल जाता है, और यही चीज़ है। फ्यूल टैंक आपको यहीं से ओपन कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें अगर स्कूटर अनलॉक रहेगा तभी आपका फ्यूल टैंक भी ओपन होगा। फ्यूल टैंक की बात कर लूँ तो 5.5 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक मिलता है, ये, और फिर यहीं दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे एक हुक आपको मिल जाएगा, और अगर ये चाबी आपके, मान लीजिए कि चाबी कहीं खो जाती है या कहीं गलती से आपका स्कूटर चाबी इसी में आपके डिग्गी में रह जाती है, तो यहाँ से आप इसे खोल के ये आपका खुल जाएगा, और यहाँ पे एक लॉक आता है चाबी के साथ, ये इसका हिडन फीचर है, तो वहाँ पे लगा के और ये आप अपना बूट ओपन कर सकते हैं, मतलब जो इसे दबा रहे हैं ना यहीं से आप ओपन कर सकते हैं। तो ये एक इसका हिडन फीचर है, अगर आपकी चाबी वगैरह कहीं पे चाबी गलती से डिग्गी में छूट जाती है तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कि यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से बात कर लेते हैं तो यहाँ पे वही स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पे फ्यूल का मिलता है, कोई चीज़ें आपको इसमें एलईडी नहीं दी गई हैं। लॉक अनलॉक का यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप अनलॉक कर देते हैं स्कूटर
तो यहाँ पे अनलॉक की बना दी है, ये फ्यूल इंजेक्टर का, बैटरी का आपको यहाँ पे आ जाता है, और ये सारी चीज़ें वही सेम ही रहने वाली है, और भी हम आपको वहीं मिलते हैं, ये आपको सेम पुराना वाला ही मिलता है, और चेचिस और डायमेंशन भी सब सेम ही मिलते हैं, कोई चीज़ आपको चेंज सिर्फ है तो चाबी में चेंज है, और ये अलॉय व्हील इसमें आ जाता है, और यहाँ से किक हट गया है, तो ये सारी चीज़ें चेंज है। चलिए अब इसे चला के देखते हैं कि चलाने में ये कैसा है। तो गाइस आप देख सकते हैं स्कूटर को, अगर थोड़ा सा आपके पास ख़राब रोड भी है तो वहाँ भी ये जाने के लिए मना नहीं करेगा, आसानी से चला जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा खासा इसका है। तो गाइस चलाने में तो वैसा ही फील आ रहा है, नॉर्मल सा वैसा ही स्पीडोमीटर इसमें है, और फ्यूल का मीटर आपको मिल जाता है, बस थोड़ी सी इसकी स्मार्ट की आ गई है, उसके फीचर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड हो गए हैं, बाकी चलाने में वही फील आ रही है, कुछ ज़्यादा फील नहीं आ रहा, क्योंकि पावर और डायमेंशन सब सारी चीज़ें सेम हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, सिर्फ एक स्मार्ट की इसमें आ गई है, अब वो की कितना रिलायबल है और कितना अच्छी है और कितने बढ़िया से काम करती है वो तो अब लॉन्ग टर्म चलाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या चीज़ें उसके साथ हैं। बाकी स्कूटर सेम है, स्कूटर पहले जैसा ही है, इंजन सब सेम है, तो आपको चलाने में कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं रहा कि कुछ ज़्यादा टेक्निकल इसमें ही चेंजेस हुए हैं, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज हुए हैं थोड़े बहुत, लाइट आपको यहाँ पे मिल जाता है, बटन क्वालिटी वगैरह सब सेम मिलती हैं, और ये जैसे 6G आई थी वो BS6 सब वो सेम ही, बटन वाली क्वालिटी वगैरह सब सेम ही है। तो जो लोग बहुत लोग बोल रहे थे कि एक्सपीवा 7G आएगी, तो भाई 7G नहीं आएगी, वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ये सिर्फ एच स्मार्ट है, एच स्मार्ट में आपको चाबी चेंज मिलता है और थोड़े बहुत यहाँ से बटन क्वालिटी वगैरह चेंजेस मिलते हैं जो मैंने आपको दिखाई दिया वीडियो में, हिडन फीचर वगैरह इसमें बस ये है। इसके साथ चलाने में तो काफ़ी वैसा ही लगता है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है आपको, और इसकी अब किक हट गई है तो थोड़ा सा बैटरी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी अगर आपकी डिस्चार्ज होगी तो ये चालू नहीं हो पाएगी, और अलॉय व्हील इसमें आ जाते हैं, पीछे का सस्पेंशन थोड़ा सा अच्छा हो गया है जो कि मैंने आपको दिखाया, और चलाने में ठीक ठाक सा फील आता है, स्मार्ट की आ गई है इसमें, तो अब ये थोड़ा सा आपको कार वाली फीलिंग आती है। बाकी ये सारी चीज़ें आपके साथ, आपको कैसा लगता है स्कूटर आप बताइएगा कमेंट में, और लास्ट में इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूं, तो 96,147 रुपये इसकी प्राइस है। तो अगर आपको स्कूटर अच्छा लगता है तो आप आ सकते हैं शांति ऑटो होंडा पे, जो कि है रायगढ़ में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।